सो गाइस, प्लाजोज आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ऑलमोस्ट हर किसी पे अच्छे भी लगते हैं, सबको सूट करते हैं। मगर अगर आपकी हाइट छोटी है और आप प्लाजोज में लंबे दिखना चाहते हो, सो ये 8 टिप्स आपके लिए हैं। नंबर 1 थिंग है कि अगर आपको प्रिंटेड प्लाजोज लेने हैं तो आप वो लो जिसमें लॉन्ग स्ट्राइप्स होती हैं, क्योंकि लॉन्ग स्ट्राइप से वैसे भी लॉन्ग लेग्स का इल्यूजन आता है। सो फिर अगर आप लॉन्ग फुल लेंथ प्लाजो पहनोगे या फिर क्रॉप प्लाजो पहनोगे, किसी भी टाइप का प्लाजो होगा, तो उसमें लॉन्ग लेग्स का इल्यूजन क्रिएट होगा और आप थोड़े से लंबे दिखोगे। जब आउटफिट में वर्टिकल लाइंस होती हैं लंबी लंबी, तो उससे आंखों का ऐसा इल्यूजन होता है कि सब कुछ लंबा है और फिर आपकी टांगे लंबी दिखेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप क्रॉप्ड प्लाजो पहनो। सो अगर आपको प्लाजो सिलवाना है, सूट स्टिच कराना है, तो आप अपने कुर्ते को लंबा रखो और अपने प्लाजो को क्रॉप्ड मतलब एंकल लेंथ या उससे थोड़ा सा छोटा सिलवाओ, कि जब ऐसे आउटफिट पे नजर जाती है ऊपर से लेके नीचे तक, तो अगर कुर्ता लॉन्ग होगा तो फिर लॉन्ग टॉर्सो अपर बॉडी का इल्यूजन आएगा, और अगर आपके पैंट्स मतलब प्लाजो क्रॉप्ड होगा उसमें से थोड़ा सा एंकल या स्किन दिखेगा, तो उसे सब जैम पैक नहीं लगेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि आपकी लेग्स लंबी हैं। यहीं पे अगर आप शॉर्ट कुर्ता और लॉन्ग प्लाजो पहनोगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही छोटे दिखने वाले हो। सो आप ट्राई करो कि आप लॉन्ग कुर्ता स्टिच कराओ और उसके नीचे जो प्लाजो बनवाओ वो क्रॉप्ड हो, जिसमें थोड़ा सा फुट या फिर आपका थोड़ा सा काफ एरिया विजिबल हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको फुल लेंथ प्लाजो पहनना ही है तो आप उसके साथ न्यूड फुटवेयर पहनो। न्यूड हील्स, न्यूड पम्प्स, न्यूड वेजेस, कुछ भी जो न्यूड कलर का हो या फिर कैमल कलर का हो, क्योंकि वो भी हमारी स्किन टोन से मैच करता है। क्योंकि अगर हम न्यूड कलर का फुटवेयर पहनेंगे तो उससे ऐसा इल्यूजन आएगा कि वो हमारा बॉडी पार्ट है और हमारी लेग थोड़ी एक्सटेंडेड नजर आएगी, ऐसा लगेगा कि हमारी लेग थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो उससे ऐसा इल्यूजन आएगा कि आपकी लेग लंबी है और आप लंबे दिखोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपको प्लाजो सूट कुर्ती और प्लाजो स्टिच कराना है, सो आप उसे कोट सेट में स्टिच कराओ, या फिर आप अगर आपको सॉलिड बनवाना है तो आप सेम ही कलर के बोथ प्लाजो और कुर्ती को रखो। कोट सेट वो होते हैं जिनके अंदर अपर और लोअर दोनों सेम फैब्रिक के होते हैं, उनका प्रिंट सेम होता है, और या फिर अगर आपको सॉलिड कलर का सूट सिलवाना है प्लाजो वाला, तो फिर आप उसमें सेम कलर का स्टिच कराओ। क्योंकि जब कुर्ती और प्लाजो सेम कलर के होंगे या फिर उनका प्रिंट सेम होगा, तो देखने में वो एक ही ड्रेस लगेगा, एक ही आउटफिट लगेगा, उनमें कोई डिविजन नहीं होगा और कलर स्कीम ही होगी, तो देखने में ऐसा लगेगा कि एक कंप्लीट लॉन्ग आउटफिट है, जिससे ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से लंबे हो, लॉन्ग बॉडी का इल्यूजन आएगा और फिर आप लंबे लगोगे। तो जिन लोगों की हाइट मेरे जैसी है वो कोशिश करें कि वो कोट सेट पहने कुर्ती और प्लाजो के, या फिर वो अगर सॉलिड पहनना चाहते हैं सॉलिड कलर में, तो सेम ही कलर के कुर्ती और प्लाजो स्टिच कराएं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि इफ आपको कोट सेट नहीं पहनना है या फिर आपको सेम कलर का कुर्ती और प्लाजो सेट नहीं पहनना है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम हमेशा ही सेम कलर के तो नहीं पहन सकते, इसीलिए अगर आपको नहीं पहनना है तो फिर आप ये ट्राई करो कि आप जो फुटवेयर पहनो वो प्लाजो के कलर का ही हो। क्योंकि अगर सेम कलर का फुटवेयर होगा तो उससे भी ऐसा इल्यूजन आएगा कि आपका प्लाजो बहुत एक्सटेंडेड है और आपकी लेग्स लंबी लगेंगी और फिर आपकी फुल बॉडी फ्रेम लंबा लगेगा। क्योंकि वैसे भी अगर हाइट छोटी होती है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी लेग्स लंबी लगे और हमारा अपर पोर्शन मतलब टॉर्सो छोटा लगे, तो अगर हम प्लाजो के जैसा ही सेम कलर का फुटवेयर पहनेंगे तो हमारी लेग्स लंबी लगेंगी और अपने आप थोड़े से लंबे लग सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि प्लाजो बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला, जो बहुत घेर वाला होता है, वैसा प्लाजो नहीं पहनना चाहिए अगर आपकी हाइट छोटी हो तो, स्पेशली जो फुल लेंथ प्लाजो होते हैं वो। अगर आपको पहनना ही है तो आप क्रॉप पहन सकते हो अगेन, जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ्लेयर प्लाजो नहीं पहनना चाहिए। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है स्कर्ट टाइप प्लाजो, जिनके बहुत ज़्यादा फ्लेयर होता है, रफल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला प्लाजो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे आपका अपर बॉडी छोटा यानी नैरो लगेगा और आपका लोअर बॉडी चौड़ा यानी ब्रॉड लगेगा, और हम एक ट्रायंगल शेप में आ जाएंगे, और हमेशा पतला और लंबा दिखने के लिए इनवर्टेड ट्रायंगल मतलब उल्टा ट्रायंगल वाली शेप होनी चाहिए। तो अगर आप फ्लेयर्ड प्लाजो पहनोगे तो नीचे वाला पोर्शन बहुत चौड़ा दिखेगा, तो जो नीचे वाला पोर्शन है फुट रीजन का वो बहुत चौड़ा दिखेगा और सारा का सारा फोकस ऑल ऑफ अ सडन वो फ्लेयर पे जाएगा, तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारा सारा फोकस हमारी लेंथ पे जाए, स्पेशली तब जब आप अपनी बॉडी को अपने आउटफिट से एक लॉन्गर लुक का इल्यूजन देना चाहते हो, तो वो फ्लेयर्ड प्लाजोस उसमें हेल्पफुल नहीं रहेंगे। तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा सा कम फ्लेयर वाला प्लाजो पहनो,
जो आपकी बॉडी की प्रोपोर्शनल हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जैसे मार्केट में हम सबको पता है आज डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के प्लाजो अवेलेबल हैं, उसमें आपको कोशिश करना है कि आप वो वाला प्लाजो ना लो जिसमें बहुत हैवी बॉर्डर होता है एंड में। तो उसमें आपको कोशिश करना है कि आप वो वाला प्लाजो ना लो जिसके एंड में हैवी बॉर्डर हो, बहुत चौड़ा चौड़ा बॉर्डर होता है, वो आपको नहीं लेना है। क्योंकि जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसे आउटफिट में सबसे पहले नज़र उन बॉर्डर्स पे ही जाती है, आप खुद भी सोच सकते हो। और देखने में ऐसा लगता है कि आउटफिट की बाउंड्री है और आउटफिट यहाँ पे ख़त्म है। वहीं पे अगर कोई प्लाजो या कुर्ती जिसके अंदर चौड़ा बॉर्डर नहीं होगा, कोई बॉर्डर ही नहीं होगा या बहुत थोड़ा सा बॉर्डर होगा, देखने में ऐसा इल्यूजन लगता है कि इस आउटफिट का कोई एंड नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि जो चौड़े बॉर्डर वाले आउटफिट होते हैं उनका एंड दिखाई देता है कि यहाँ पे ये ख़त्म है, लेकिन जो छोटे बॉर्डर वाले या बिना बॉर्डर वाले आउटफिट होते हैं उनमें ऐसा नहीं लगता है, उनमें लगता है कि आउटफिट लंबा चलता चला जा रहा है, जिससे इलॉन्गेटेड लुक का इल्यूजन होता है। जब हम दोनों बॉर्डर्स को कंपेयर करते हैं सेम आउटफिट में, चौड़े वाले और पतले वाले को, तो हमें ज़्यादा पता चलता है। एंड वैसे भी अगर आपको लंबा भी दिखना है और पतला भी दिखना है तो आपको हैवी बॉर्डर नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली जो एंड में लगा होता है वो वाला नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है एज़ फॉर बॉडी टाइप। अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी कर्वी है, आप थोड़े से थिक साइड पे हो, तो आपको डार्क कलर का प्लाजो पहनना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर का प्लाजो पहनने से आपका लोअर बॉडी थोड़ा सा स्लिम दिखेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि डार्क कलर जो होता है वो लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम थोड़े से पतले दिखते हैं उसमें, और जो लाइट कलर होता है वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हम लाइट कलर में थोड़े से ब्रॉड और थोड़े से मोटे दिखते हैं। तो अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी कर्वी है तो आप कोशिश करो कि ऑलवेज डार्क कलर के प्लाजो पहनो, उससे आपकी लोअर बॉडी थोड़ी सी कम चौड़ी दिखेगी, थोड़ा पतला दिखेगा, और आपकी बॉडी को गुड स्ट्रक्चर मिलेगा, और उससे आपका लुक थोड़ा इलॉन्गेटेड लगेगा, आप थोड़े से लंबे दिखोगे। यहीं पे अगर आप थोड़े से पतले साइड पे हो, आप थोड़े से थिन हो, तो फिर आप हमेशा लाइट कलर प्लाजो पहनो, उससे आपकी बॉडी अच्छी प्रोपोर्शनेट दिखेगी, लॉन्ग बॉडी का और लॉन्ग फ्रेमवर्क का इल्यूजन क्रिएट होगा। और मेरा नाइन्थ बोनस टिप ये है कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, ना सेम सेट पहनना चाहते हो, ना कोट, ना फिर लाइट कलर प्लाजो, ना डार्क कलर, अगर आप अपने नॉर्मल सारे प्लाजो पहनना चाहते हो, तो बस आप एक चीज़ करो, आप एक पॉइंटेड न्यूट कलर के हील्स ले लो या पम्प्स ले लो, और आप फिर हर आउटफिट के साथ उन्हें ही पहनो। उससे आप कुछ भी पहनोगे, फ्लेयर वाला प्लाजो, पैंट टाइप प्लाजो, क्रॉप प्लाजो, लॉन्ग प्लाजो, किसी भी टाइप का प्लाजो पहनोगे, तो उससे आपकी लेग्स इवेंचुअली लंबी ही दिखेंगी ऑलवेज, क्योंकि फर्स्ट वो फुटवेयर पॉइंटेड है एंड सेकेंडली वो न्यूड कलर का है, तो वो ऑलवेज ही आपकी लेग्स को लंबा दिखाएगा आप किसी भी टाइप का प्लाजो पहनोगे उसमें। सो ये थी मेरी 9 टिप्स जो मैं जनरली फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी प्रिटी एवरेज है। सो ये टिप्स मैं जनरली फॉलो करती हूँ, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो मैंने खुद समझा, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड प्लीज़ ऑल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बेल बटन, जिससे आपको पता चल सके जब भी मैंने वीडियो अपलोड करूँ। ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा हैंडल है @tanuella। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू रिलीज ऑन योर नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि थोड़ी देर में बोलती हूँ, ये बाहर बच्चे रोते ही रहेंगे, जब भी मैं वीडियो बना लगती हूँ बच्चे रोना शुरू कर देते। जिन क्रिएट चाहते ये बच्चे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ज़ोर से।